और वाराणसी में जो हो रहा है उसे आप देख सकते हैं, फार्म नहीं मिलेगा। यहां जिसको चाहेंगे रिटर्निंग अफसर वही चुनाव लड़ेगा और जिसको चाहेंगे ऊपर वाले लोग वही चुनाव लड़ेगा। तो सारी जगह यह बताया गया है कि ऊपर से दबाव है कि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म ना बांटे और जो फॉर्म अब तक सबमिट हुए हैं उनके बारे में भी अभी तक ये कहा गया है, मेरे को इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि उनमें से भी मैक्सिमम कैंसिल किए जाएंगे और जबरदस्ती कैंसिल किए जाएंगे ताकि कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं रहे। अधिकारी महोदय, आप यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कल आने वाली पीढ़ियां अपने ही बच्चे आपको लांछित डीएम के रूप में याद करेंगी। वाराणसी में है और अंतिम चरण चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, कुछ लोगों ने पर्चा लिया और कुछ लोगों को लाइन से हटा दिया गया, कुछ लोगों को घसीट करके बाहर कर दिया गया, कुछ से कहा गया पर्चा लेना है तो 10 जो तुम्हारे समर्थक है उनको ले आओ, परेड कराओ तब हम पर्चा लेने देंगे। यह है वाराणसी कार्यालय जिला अधिकारी वाराणसी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 77 वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट वाराणसी। अब हुजूर यहां से पर्चा भरेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने नामांकन कर दिया है, बीएसपी के प्रत्याशी ने भी कर दिया है, कुछ और लोगों ने लिया है, लेकिन शेष लोगों को लेने नहीं दिया जाएगा। लाइन में कई कई घंटे तक दिन दिन खड़ा होकर के और फिर चले गए, कुछ घसीटे गए, कुछ थाने में बैठाए गए और कुछ को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया, कुछ को डंडा पीट करके भगा दिया, कुछ को हड़का दिया। ऐसे में आज यह सुनसान है, शनिवार का दिन है, आज के दिन कोई नामांकन पत्र नहीं मिलेगा, रविवार को भी नहीं मिलेगा, उसके बाद अगले दिन नामांकन का दिन रहेगा और फिर 14 को हुजूर यहाँ से यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ आज भी हैं, इस प्रत्याशा में आ गए हैं कि शायद हमें नामांकन पत्र मिल जाए ट्रेजरी में, हम और हमने भी 2 दिन लाइन लगवाया था और दोनों दिन लाइन लगाने के बाद भी पर्चा नहीं मिला। हमारी जो इच्छा थी नामांकन करने की कि हम गंगा के विभिन्न घाटों को दिखाएंगे, मैं बता भी चुका हूं, लेकिन नामांकन पत्र लेने में अब तक मैं भी असफल रहा। कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए इधर, आप बात कर रहा है आपको, आइए एक तरफ आइए। हाँ बताएं भाई साहब, कहाँ से हैं आप? हम तो गाजीपुर से, अभी सैदपुर से। अच्छा, किस प्रत्याशा में आप, प्रत्याशी की प्रत्याशा में या फिर? नहीं नहीं, प्रत्याशी की नहीं, हमारे मित्र हैं दिल्ली से आए, वो पर्चा अच्छा, दाखिल करना चाहते थे। अच्छा अच्छा, लेकिन आइए भाई साहब, पर्चा दाखिल, आप कोई लोक सेवक थे क्या किसी चीज़ में? मोबाइल नीचे कर लिए। हाँ मैं सर, मेरा नाम HS गौतम है जी, मैं गाजीपुर और बनारस में यूनियन बैंक में 10 साल नौकरी कर चुका हूँ जी, और मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है हमेशा। मैं बैंक में आने से पहले अपने गाँव का उप प्रधान था। अच्छा, और बैंक में रहते हुए भी मैंने ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज की हैं जी। मैंने देखा कि आज डेमोक्रेसी खत्म हो रही है जी, चुनाव जीतने के लिए गैर तरीके के हथियार अपनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की परवाह नहीं है, संविधान की परवाह नहीं है। मैंने देखा कि सूरत में ये हुआ कि दौड़ने वाला अकेला ही रह गया, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी का अपहरण करके सबको साइड लाइन कर दिया गया। मैं सुबह बनारस में आया हूँ इसी इरादे से कि मैं अपना नॉमिनेशन भरना चाहता हूँ यहाँ से, 77 लोकसभा सामान्य निर्वाचन वाराणसी से लड़ना चाहता हूँ। पर्चा मिला? लेकिन हुआ ये कि मैं बहुत पर्चा मिला नहीं है, और मैंने बनारस में जब से मैं सुबह से उतरा हूँ 50 जगह मैंने संपर्क किया है, मेरे को सारी जगह ये बताया गया है कि ऊपर से दबाव है कि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म ना बांटें और जो फॉर्म अब तक सबमिट हुए हैं उनके बारे में भी अभी तक ये कहा गया है, मेरे को इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि उनमें से भी मैक्सिमम कैंसिल किए जाएंगे और ज़बरदस्ती कैंसिल किए जाएंगे ताकि कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं रहे। अगर कोई सामने फाइट करने वाला ही नहीं होगा तो फिर चुनाव किस बात का हो रहा है, किस बात के लिए पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, किस मुद्दे पर हो रहा है? आज कोई महंगाई पे बात नहीं करता, बेरोजगारी पे बात नहीं करता। चलिए, अगर आपको भी पर्चा नहीं मिला? मेरे को भी मिला नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है। क्या करेंगे आप? मैं नहीं मिला तो मैं फिर सोमवार को आने फिर आऊंगा। उस दिन भी नहीं मिला तो फिर जैसे कि मैं, आप मेरी
बात आपके माध्यम से हो रही है, मैं दूसरे माध्यम से भी इस बात को आगे तक ले जाऊंगा। जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और फिर दिल्ली तक भी ये बात जाएगी। जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, यदि पर्चा नहीं मिला, नामांकन करने का अवसर नहीं मिला, तो यह चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि बनारस में क्या हो रहा है और लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या हो रही है। जब चुनाव में कोई नहीं रहेगा। जी भाई साहब, आपसे फिर बात करेंगे। हम राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी से हैं। चाणक्य पार्टी से? हाँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता, कहाँ से आए हैं आप? हम मैं आया हूँ मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आप भी पर्चा भरने आए हैं? जी, मैं भी पर्चा भरने आया हूँ। यहाँ मैंने ऐसा देखा कि निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और बाधा इस प्रकार के लगाई जा रही है कि समय निकलने के बाद रुपए जमा हो रहे हैं। माने हम 11 बजे से खड़े हैं, जब तक 3 नहीं बजेंगे रुपए जमा नहीं होंगे। और कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि समय निकलने के बाद माने कि ठीक 3:01 पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर हमारे 25,000 रुपये जमा हुए। अच्छा, हम यहाँ पर आए कि हमें फॉर्म मिल जाएगा, उन्होंने साफ साफ कहा फॉर्म नहीं मिलेगा। 25,000 रुपया ट्रेजरी में जमा किया। वित्तीय नियम संग्रह खंड 5(2) के तहत राहुल गुप्ता ने, लेकिन इन्हें फार्म नहीं मिला। यह है लोकतंत्र का तकाजा। और वाराणसी में जो हो रहा है उसे आप देख सकते हैं, फार्म नहीं मिलेगा। यहां जिसको चाहेंगे रिटर्निंग अफसर वही चुनाव लड़ेगा और जिसको चाहेंगे ऊपर वाले लोग वही चुनाव लड़ेगा। क्या लग रहा है, यहाँ भी ऐसे ही निर्विरोध लोग बनाने की इच्छा जता रहे हैं? कुछ ऐसा हो रहा है सर, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ना निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करना, अगर इसमें ये सब सम्मिलित हैं तो हम इसका इसके लिए एक शिकायत पत्र, हम पूरी प्रक्रिया के साथ काम कर रहे हैं। किससे कहेंगे? देखिए, हम यहाँ के थाने में हम अभी शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। हाँ। और जो ना उनका है नहीं सुनेगा, आगे बोलिए। कोई सुने या ना सुने, चिल्लाएगा, ये एक प्रक्रिया है। उसके बाद हमें हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट कहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक पावर है और आप उसी के पास जाइए, चुनाव बीत जाएगा तब तक। नहीं नहीं नहीं, देखिए सुनिए, दो बातें हैं। चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना, ऐसा आपने टीवी में देखा होगा, पाकिस्तान में भी ऐसी हुआ था पूरा। हम उस समय देख के हंस रहे थे कि अरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ये क्या है, हम सिर्फ रुपए जमा करके आए हैं, हमें फॉर्म नहीं मिल रहा है। फॉर्म मिलेगा। राहुल गुप्ता एक तरह से कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनके ऊपर प्रभावी होगा और संवैधानिक मानकों को, संवैधानिक जो सिद्धांत है उनको पालन करते हुए इन्होंने 25,000 रुपए जमा किया है, फॉर्म नहीं मिला। जिलाधिकारी महोदय, आप यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लगभग 24 घंटा हो गया आपके मोबाइल पर मैंने मैसेज किया, मैं ब्रजभूषण दुबे हूं, हमारे मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा? कल आने वाली पीढ़ियां अपने ही बच्चे आपको लांछित डीएम के रूप में याद करेंगी। मैं भी 2 दिन लाइन में लगाया था। फार्म लेना हमारा मौलिक अधिकार है, फार्म भरना हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ऐसे कैसे चलेगा? राहुल बताइए। मैं एक बार बताऊं, देखिए अगर हमें प्रक्रिया के साथ साथ काम करना है तो दो बातें होती हैं, एक होते हैं प्रक्रिया को बाधित करने वाले लोग, एक होते हैं प्रक्रिया को निभाने वाले लोग। हाँ। और एक होते हैं प्रक्रिया के साथ चलने वाले लोग। हम हैं प्रक्रिया के साथ चलने वाले लोग, हमारा काम है जो ये दिशा निर्देश देंगे वैसे वैसे काम करेंगे। अब कुछ लोग सरकारी कर्मचारी, मैं आपको बताऊं, जब मैं 11 बजे खड़ा हुआ तो ट्रेजरी में जो चालान जमा करता है उस व्यक्ति ने कहा कि सर मैं आपका काम तब करूंगा जब मुझे मैडम बताएंगी। मैडम कौन? यहाँ की प्रबंधक, मैनेजर, वो बताएंगी तो हम आपका फॉर्म ले लेंगे। मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली से। बहुत ज्यादा मैंने साफ साफ कह दिया कि मैडम अगर आपने मेरे काम में व्यवधान उत्पन्न करा और निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का आप खंडन करेंगे तो मैं आपका नाम लिखकर FIR में दर्ज कराने का पूरा काम करूंगा। मैडम थोड़ी सी चकरा गई, तक पका के वहां पर एक गैंग है साहब, यहाँ पर गैंग, हाँ, गैंग है। वकील साहब आप हैं, गैंग बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक गैंग है, आप सुन तो लीजिए। हाँ। वो खाकी एक अच्छा गैंग। अच्छा, वो उस गैंग के लोग खड़े हुए हैं हर जगह, वो अधिकारी को देखते हैं ऐसे करके, नहीं करना, हाँ कर दो, नहीं करना, ये वहां पर हो रहा है। राहुल गुप्ता ने इशारा किया पुलिस प्रशासन पर और उन्हें बताया कि किस तरह से अधिकारी ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। और सर आप समझे नहीं अभी तक,
खाकी कच्चा गैंग। अच्छा अच्छा दूसरा गैंग बता रहे हैं आप, खाकी कच्चा गैंग। बात है राहुल भाई, राहुल भाई ने अब जो बताया उसे आप समझ गए होंगे। आप विस्तार से नहीं बताएंगे लेकिन खाकी कच्चा गैंग है, खाकी वाले तो खड़े हैं वहाँ पर। हो गया, हम समझ गए, समझ गए। लेकिन उनका काम क्या, समझ गए, वो हाके के सामने खड़े हुए हैं, बैंक में भी खड़े हुए हैं, मैनेजर के सामने दो, टीजी के सामने तीन। राहुल 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 ने जो कहा, अधिवक्ता है दिल्ली में, इन्होंने जो कहा उसको समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा इसलिए मैं उसे नहीं कह सकता, लेकिन जिन्हें देख रहा हूँ वर्दीधारी लोग जो मैं इनके बारे में, ये तो सर ये तो एक आदेश का पालन कर रहे हैं, आदेश का पालन, और वो अभी तो आदेश का पालन कर रहे हैं। नहीं, उनका भी जमीन कौन सा है? अच्छा गैंग है, वो गैंग है, वो कह रहे हैं कि हमारे गैंग का मुखिया ही बनेगा सदस्य, और कोई नहीं बनेगा। आइए सर, इनको आदेश दिया, बताइए सर अपना अपना शुभ नाम आपका। मिंटू राजभर, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। रहने वाले कहाँ के हैं मिंटू? खास वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। क्या आपके साथ क्या हो गया? अभी अभी सही सलामत है ना? लाठी वाठी नहीं बची है ना? बिल्कुल बात नहीं, अगर संघर्ष के लाइन में तो लाठी क्या, फांसी भी चढ़ जाए। अच्छा अभी कुछ हुआ नहीं, बचे है आप? बचे नहीं, वो साजिश कर रहे थे, लेकिन हमने जब हमने रिटर्निंग अफसर इन लोग से कहा ऐसे बदतमीजी से बात करें, ऐसा लगता है कि मैं तो हाई स्कूल फेल हूँ, लेकिन वो प्राइमरी फेल है। नहीं, हाई स्कूल हम फेल हो चाहे प्राइमरी फेल हो, यहाँ लोकतंत्र में तमाम ऐसे लोग गए हैं जो अंगूठा छाप हैं, बात करने का तरीका होना चाहिए। आपने जब हमें ट्रेजरी फार्म ये देने का वादा किया, हमने आपका वादा पूरा किया, 25,000 अमाउंट में जमा किया, तो आपको एक गाइडलाइन होती है कि अगर आप जमा करने आएंगे इसको फार्म लेके, तो अपने ट्रेजरी अपने पछतावा कहना चाह रहे हैं, अपने पछतावा का एक सूची दी गई है, शर्तों अवन नियम, वो हमको दी गई निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, हम उस सूची के द्वारा ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सूची को तो रख गया एक तरफ, निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन्होंने 4-5 शर्तें ऐसी जोड़ी हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है तो वो पुलिस वेरिफिकेशन लेकर आए, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हम सब लिखते हैं उसमें, हम तो फॉर्म में लिखेंगे ही ना कि हमारे ऊपर कितने अपराध हैं, उसी में इंक्लूड किया जाएगा, पहले पूछने वाले कौन है? आप जांच कराइए और FIR करवाइए, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो। सबके पास पूरी ताकत है, लेकिन ये कुछ ऐसी शर्त है जो अज्ञात है, कुछ शर्त फार्म तो मिला नहीं आपको? नहीं, फार्म तो नहीं मिला, लेकिन हम इसके लिए प्रयास करें। मैं कल चुनाव आयोग में कंप्लेंट में डाला हूँ, पार्टी की ओर से डाला हूँ, उसका इन लोग पास फैक्स भी आ चुका है, हमें जो सूचनाएं मिली है, ये सोमवार को मेरा फार्म में जमा करेंगे, चाहे जिस भी परिस्थिति में ये जमा करेंगे। और जिस हिसाब से वो अधिकारी बात कर रहे थे, मैंने उनसे ये बात भी कहा कि आप लगता है कि प्राइमरी फेल है, आप पर फार्म नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। मैं कहा कि मानवर जी, फार्म देने में कोई भी नियम लागू नहीं होता, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास ये भी नहीं होना चाहिए, ये सब जमा करते समय की बात है। अब क्या हो रहा है कि हमने ये जमा कर दिया, आप ये कह रहे हैं 10 प्रस्तावक सबसे पहले हमारे यहाँ खड़ा करिए, हम उनसे बात करेंगे, तब आपको फॉर्म देंगे। हमने उनसे कहा सर ये शर्त अभी लागू नहीं होती, कि सब तो जमा करते समय। अच्छा भाई साहब, एक चीज इतनी दूर से आप बनारस क्यों आगे लड़ने के लिए? बनारस में कोई आधार नहीं है, अगर देखा जाए जैसे कोई आधार नहीं है, कोई वर्क आपने किया नहीं है, गुस्सा है, और ये गुस्सा हम निकाल कर। युवा अधिवक्ता ने कहा हमारे मन में गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है वकील साहब, कि दिल्ली से आप आ गए बनारस में लड़ने के लिए? देखिए सर, ऐसा है, व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ बस सर 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 अभी व्यवस्था अभी गुस्सा क्यों है अभी आप पर भी हमारे व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदलना इस पार्टी का ने अपने एक नेचर में बना लिया है। आप दूसरों को मारते मारते बुरा कहते कहते खुद इतने बुरे हो गए हैं कि आपने अपने बारे में देखना ही बंद कर दिया। युवा अधिवक्ता के भीतर गुस्सा आया व्यवस्था को देख करके, तमाम नाकामियों को देख करके, और बनारस चले आए। बताइए सर आप क्यों गुस्से में हैं? मैं गुस्से में इसलिए हूँ कि देखो सूरत, इंदौर, खजुराहो, वहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी के अगेंस्ट उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको मैदान से हटा दिया जा रहा है। यानी कि अगर दौड़ में दो लोग या दो से ज्यादा नहीं होंगे तो पता कौन कैसे चलेगा कि कौन तेज दौड़ रहा है। यानी कि ये दौड़ में शामिल होना नहीं करना नहीं चाहते किसी को, और खुद ही अपने को विजयी घोषित करना चाहते हैं। आप लोगों में से प्रत्याशी चुनाव लड़ने का मेरे को अधिकार है, पूरे भारत में मैं कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, ये फैसला तो जनता करेगी कि जिताना है या हराना है। हमारे प्रधानमंत्री जी 5 लाख वोटों से यहाँ जीते हुए हैं, तो इतनी
बुलबुलाहट क्यों है इन सबके मन में, खासतौर से खाकी कच्चा गैंग में क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? जनतांत्रिक मूल्यों का आदर्श है कि जो चाहेगा वह नामांकन करेगा, पर्चा भरेगा, पर्चा यदि वैध है तो चुनाव के लिए अधिकृत होगा, पर्चा अवैध है तो उसका कारण बताएंगे, लेकिन पर्चा ही नहीं लेने देंगे, ट्रेजरी में पैसा जमा ही नहीं करने देंगे। यह लोकतंत्र की हत्या है और यह दुर्भाग्यपूर्ण सच है। इसे इस प्रकार से मत करिए, आप ये हत्या कर रहे हैं, आप इस को ना एक चैप्टर को इसको खत्म कर रहे हैं, ये अभी निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। ठीक बात है, अभी रुके ना, आप सुनिए, ये निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, ये एक गंभीर अपराध है, इनमें इन सबकी नौकरी जाने का प्रावधान लिखा हुआ है। कौन नौकरी लेगा ब्रदर, कौन नौकरी लेगा सर, जिसके सर एक मिनट, आपने समझा है, इंदिरा गांधी भी हराई गई थी, नहीं हारी थी वो, उन्हें इसी प्रक्रिया के द्वारा उनके लोगों ने हरवाया था। आज अगर निर्वाचन प्रक्रिया बाधित हो गई तो आज प्रधानमंत्री जी ये समझ लें कि ये पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, तो इसका अपराध कौन लेगा, ये लेंगे या काफी अच्छा गैंग लेगा, कौन लेगा आप बताइए। ये पूरी प्रक्रिया अवैध हो सकती है, 80 लोगों ने चलान फॉर्म ले रखे है, बाकी को दिया भी नहीं है, और जमा कितने करे हैं इन्होंने, सिर्फ 9, और दिए कितने हैं, 15 भी नहीं दिए हैं इन्होंने। इसका मतलब क्या है, आपने बाधा उत्पन्न करी है, अगर इस पर केस लगा, हम लगाएंगे और न्यायालय में ये सक्षम हो गया, साबित हो गया कि यहाँ बाधा पहुंचाई गई है, तो ये पूरी फिक्र रद्द हो जाएगी, फिर क्या होगा। मुट्ठी भर कलेजे के लोग जो इस पर आवाज उठा रहे हैं और लड़ने के लिए भी तैयार है तबीयत से, परिणाम चाहे जो आए, परिणाम आएगा ऐसा भी विश्वास है, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज जिला अधिकारी कार्यालय जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में है वाराणसी में, और यहाँ सबको तो कल भगा दिया गया, रात तक सबको हटा दिया गया, कुछ लोग आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, और उसके अगले दिन हुजूर का नामांकन है। आप परसों आएंगे? विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम, आऊंगा आऊंगा आऊंगा।